अस्सलाम वालेकुम जी तमाम दोस्तों को, और उम्मीद है सब भाई इंशाल्लाह खैर वाफियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो जैसे कि शिकार हमारा सब भाइयों ने ऑफ़ कर दिया है, सीज़न ऑफ़ हो चुका है और अब तमाम दोस्त जो हैं वो अपनी गन्स को रख रहे हैं, सेव कर रहे हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो मुझे यूट्यूब चैनल पे और वैसे भी मैसेजेस आते रहते हैं कि रदीम भाई हमने अपनी गन्स जो हैं वो रखनी हैं, तो इनमें फुल हवा करके रखना है, प्रेशर फुल करके रखना है या फिर बिल्कुल ज़ीरो करके रखना है। तो कुछ दोस्त फुल करके रखते हैं और कुछ लोग जो हैं वो दोस्त भाई वो फुल ज़ीरो करके यानी कि बिल्कुल सारी हवा निकाल के तब वो गन्स को रखते हैं। तो आज मैं तरीका आपको बताता हूँ कि जिस तरीके से आप गन्स को रखते हैं और जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो उसमें लीकेज वगैरह का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह। तो तरीकाकार ये है कि पहले मैं अपनी गन्स के बारे में थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। ये मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदी थी QS MK3, ये गन है और ये सप्रेसर इस पर मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। ये जो स्कोप लगी हुई है ये डिस्कवरी VTT है, FFP है और 6.24-50 है जी। और दूसरी मेरी गन है जी ये वाली P10, इसमें जो स्कोप लगी हुई है वो है डिस्कवरी की HS 6.24-50, ये भी FFP है जी। ये आपको मैं चेक करवा देता हूँ जी। हाँ जी ये चेक कीजिएगा, दोनों FFP स्कोप्स हैं। तो अभी जैसे कि मैं बता रहा था कि मुझे एक दोस्त ने मैसेज भी किया और वैसे भी आते रहते हैं, भाई ने कहा मुझसे कहा है कि मैंने गन रखनी है तो मैं बिल्कुल हवा को निकाल के तब रखूँ या क्या करना है। तो भाई ऐसा करना है आप भाइयों ने कि अगर हम इसमें फुल प्रेशर रखते हैं, जैसे कि इसमें इस टाइम गालबन 240 बार इसमें हवा है इस टाइम। हाँ जी 240 बार हवा है जी इस QS में, MK3 में। और अगर हम इसको फुल प्रेशर पे रखते हैं तो इसकी सील्स के ऊपर काफ़ी दबाव रहता है, जिसकी वजह से क्योंकि तकरीबन कोई 5-6 महीने या इससे ज़्यादा देर तक ये गन्स जो रखी रहेंगी यूज़ नहीं होंगी। तो अगर हम इंतहाई ज़्यादा फुल प्रेशर जितना के कंपनी रिकमेंड करती है, जैसे QS वाले भाई जो हैं वो रिकमेंड करते हैं 250 बार, तो अगर हम इतनी हवा भर के इसको रख देते हैं तो इसका नुकसान ये होगा कि इसकी सीलों के ऊपर इंतहाई प्रेशर रहेगा और आगे सीज़न जो है वो गर्मी का होगा। गर्मी में आपको पता है कि हमारे इधर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उससे इसकी सील्स जो हैं वो इंतहाई प्रेशर की वजह से ख़राब हो जाती हैं और लीकेज का जो है ना इशू आ जाता है और बहुत सारी दोस्तों की गन्स जो हैं वो लीकेज कर जाती हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। तो इसको हमने ऐसा करना है कि इसको हमने फुल हवा का प्रेशर इसमें नहीं रखना, और कुछ दोस्त जो हैं वो बिल्कुल हवा को ज़ीरो कर देते हैं। उससे भी ये होता है कि सील्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ा होता है वो प्रेशर जब बिल्कुल ख़त्म होता है तो सील्स जो हैं अपनी जो असल जगह होती है उससे वो हट जाती हैं और ओरिंग्स जो होते हैं वो अपनी शेप तब्दील कर जाते हैं, जिसकी वजह से नेक्स्ट सीज़न में जब वो भाई दोबारा गन्स में हवा भरते हैं तो हवा भरी नहीं जाती। तो आज हमने आपको तरीका बताना है कि आपने हवा कितनी भरनी है। आपने हवा इस गन्स में, आपकी जौन सी भी गन है उसमें आपने 150-160 हवा भरनी है, ना उसको फुल करना है और ना ही आपने उसमें से हवा को रिलीज करना निकालना है। तो अभी जैसे इस गन का मैंने बताया कि इसमें हवा है 240 बार जी, 240 बार। तो हमने इसको अभी खाली शॉट चलाने, खाली शॉट चला के इसको 160-150 बार के ऊपर ले आना है और उसके बाद में फिर हमने अपनी गन को रख देना है जी संभाल के। और इसमें सबसे मेन चीज़ जो आपने सबसे पहला जो काम करना है वो गन की बैरल साफ़ करनी है आपने। आपने अपनी गन्स की बैरल को साफ़ कर लेना है क्योंकि पूरे सीज़न में वो गन्स जली होती हैं और बैरल जो होती हैं इसकी हो जाती हैं काफ़ी रस्टी, और वो फिर रस्ट जो होती है इसके ऊपर काफ़ी अरसा पड़े रहने की वजह से जम जाती है और इसमें बाज़ का नमी भी होती है, जिसकी वजह से हमारी ये बैरल जो होती है लोहे की होती है उसमें जंग के असरात आना शुरू हो जाते हैं। इसको सबसे पहले आपने किसी अच्छे गन ऑयल के साथ इसको साफ़ करना है बैरल को। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, कुछ दोस्त हमारे भाई हैं वो WD-40 का यूज़ करते हैं, WD-40 यूज़ नहीं करनी। WD-40 जो है
वो इसके ऊपर ये जो एक लेयर होती है कलर की, इसको वो उड़ा देती है, जिसकी वजह से ये बैरल जब इसका कलर चेंज होता है तो बुरी लगती है। इसी तरीके से आपने गन ऑयल यूज़ करना है। गन ऑयल के साथ आपने कोई पैचेस ले लेने, और पांच चार पैचेस इसके अंदर से निकालेंगे तो ये एक तो वेट हो जाएगी अंदर से, लुब्रिकेट हो जाएगी ऑयल से, और साफ़ भी हो जाएगी। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इस गन को थोड़ा सा शॉर्ट्स चलाते हैं खाली, और इसको 150 या 160 पे लाके, तो इसकी फिर आपको मैं चेक करवाता हूँ इंशाल्लाह। ये इसको मैंने चला के 150 पे मैंने कर लिया है गेज, मैं आपको चेक करवाता हूँ। हाँ जी, ये 140 145 होगी ये इस टाइम। इसकी हवा को मैंने निकाल लिया है, तो ये अब रेडी है जी रखे जाने के लिए। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले सीज़न जो आ रहा है, अगले सीज़न जो आना है अभी, तो इसमें ये इंशाल्लाह लीकेज नहीं करेगी इंशाल्लाह। और अभी इसमें से मैं हवा निकालता हूँ, और उसके बाद में दोबारा से आपको मैं चेक कराता हूँ इंशाल्लाह। ये भी कुछ खाली शॉट चलाते हैं और इसकी हवा को रिलीज़ करने की कोशिश करते हैं जी। काफ़ी शॉट चलाने पड़ेंगे इसमें, ये माशाल्लाह काफ़ी शॉट देती है। एक फिल्म में राउंड अबाउट 90 to 100 शॉट देती है। तो यहाँ से वीडियो को मैं करता हूँ ऑफ, और इसकी हवा को रिलीज़ करते हैं। वैसे रिलीज़ वॉल्व यहाँ पे लगा हुआ है, इधर से भी आप कर सकते हैं स्टॉक को खोल के, मगर हम इसको चला के ही चेक कर, इसको चेक भी कर लेंगे साथ, और इसकी हवा को भी हम करते हैं इंशाल्लाह। तो जैसे मतलूबा बार पे आती है तो मैं आपको चेक कराता हूँ जी। जी तो दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे शॉट खाली चला लिए हैं, और अभी जो है हवा है वो तकरीबन कोई 160 पे आ गई है जी। तो इसे 160 पे रखते हैं, और इसको इंशाल्लाह अभी पैक करते हैं, पैक करके इसको रखते हैं अगले सीज़न के लिए इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि इसमें भी लीकेज नहीं होगी इंशाल्लाह। और ये हमारी जो गन है ये क्लियर हो चुकी है, इसमें हवा जो है वो मैंने पूरी कर ली है, निकाल ली है। और ये गन जो है इसमें लूथर वॉल्थर लगी हुई है जी, माशाल्लाह बहुत एक्यूरेट गन है। 80 यार्ड के ऊपर मैंने इसको अभी तक चेक किया था, तो वो तकरीबन कोई हाफ इंच से भी छोटा ग्रुप बना रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा रिजल्ट इसका माशाल्लाह। और ये जो क्यू एस है इसका भी बड़ा अच्छा रिजल्ट है। अभी तक लॉन्ग रेंज पे मैंने नहीं इसका रिजल्ट लिया, मैंने तकरीबन कोई 60 यार्ड से आगे इसको मैंने चेक नहीं किया, टाइम ही नहीं मिला। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस आउट सीज़न के अंदर इसका कोई ग्रुप वगैरह लेंगे इंशाल्लाह, और आप भाइयों से शेयर भी करेंगे। तो तमाम भाइयों को उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अपनी अपनी गन्स को तमाम भाई इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी मेथड के तहत इनको अपनी को सेव करेंगे। गन्स की बैरल आपने साफ़ कर लेनी है, और हवा 150 to 160 इसमें आपने रहने देनी है, बिल्कुल ख़त्म भी नहीं करनी और फुल प्रेशर भी नहीं रखना। तो इंशाल्लाह ताला आपकी गन्स जो हैं वो लीकेज नहीं करेंगी, और अगले सीज़न भी बेहतरीन चलेंगी इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।